यह है राज शमानी क्लिप्स चैनल। बहुत कम समय में अगर एक बेटर लीडर बनना है तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो। आपको क्या लगता है कौन सी स्टेज पे स्टार्टअप शुड गेट सीनियर एग्जीक्यूटिव? कब? लाइक 20-30 लोगों के बाद की? हाँ, आई वुड से दैट इन लार्ज कॉर्पोरेशंस जनरली द प्रिंसिपल इज दैट यू शुड नॉट हैव मोर देन 5 or 6 सबॉर्डिनेट्स। 5 or 6 सबॉर्डिनेट्स मतलब कि रिपोर्टिंग रिलेशनशिप। अच्छा, गॉट इट। सपोज देयर इज अ सीईओ, सो नाउ ही कांट टॉक टू एवरीबॉडी। इफ 30 पीपल रिपोर्ट टू अ सीईओ, इट विल बी वेरी डिफिकल्ट। यस, इजंट इट ट्रू? सो दैट इज वेयर यू कैन डेलीगेट सर्टेन रिस्पॉन्सिबिलिटीज टू समवन एंड वंस इन अ वीक, वंस इन 3 days, वंस इन 10 days टेक एन अपडेट। जो अमेज़न का रूल है ना, 2 pizza रूल, Have you heard of it? नहीं, नहीं, क्या है? तो वो ऐसा है कि जेफ बेजोस बोलते हैं कि अगर तुम्हारी टीम दो पिज्जा खा सकती है, हाँ, बस उतनी बड़ी टीम होनी चाहिए। अगर तुम्हारी टीम को फीड करने के लिए 2 pizza से ज्यादा लगते हैं तो फिर टीम बड़ी, उसको तोड़ो। दैट्स द सेम थिंग जो आप बोले, सबॉर्डिनेट 5 से 6 होने चाहिए, उससे ज्यादा नहीं होने चाहिए। और फिर प्रायोरिटाइजेशन होना चाहिए कि एज ए सीईओ किस चीज पे आप ज्यादा टेंशन दे रहे हो, आपकी कोर स्ट्रेंथ क्या। हर एक की कोई कोर स्ट्रेंथ होती नहीं है। सपोज आपका ये है कि यू आर स्ट्रॉन्ग इन कंटेंट क्रिएशन, तो वो आपकी कोर स्ट्रेंथ है। बट व्हेन इट कम्स टू कंप्लायंस, यू नो नथिंग अबाउट, नहीं है हमारी कोर, नहीं है ना? क्या? तो ठीक है, यू फोकस ऑन कंटेंट। और जो कंप्लायंस का इशू है, मैंने एक एग्जांपल लिया, कंप्लायंस वगैरह थोड़ा और बड़ी ऑर्गेनाइजेशंस हो जाती है, तब जरूरी है। पर वो एचआर ले लो, कुछ भी ले लो, नो, सिंगल पर्सन कैन डू द जॉब। अगर छोटी कंपनी है तो देयर कैन बी समवन हु कैन टेक केयर ऑफ फाइनेंसेस, कंप्लायंस, रिस्क। इट इज नॉट नेसेसरी दैट यू हैव अ वेरी कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनाइजेशन, बिकॉज हायरिंग प्रोफेशनल्स ऑल्सो कॉस्ट मनी। यस, दे आर एक्सपेंसिव, डायरेक्ट कॉस्ट है। तो क्वालिटी प्रोफेशनल तब मिलेंगे आपको जब आप उनको अच्छा पे करोगे और उनको कंपनी में ग्रोथ की अपॉर्चुनिटीज होंगी, अट्रैक्शन होगा। तो कई फंक्शंस जो है एक आदमी कर सकता है, बट नॉट टू मैनी। और सर अभी तो बिकॉज पिछले 3-4 साल जो बुल रन टाइप था, जिसमें एक्स्ट्रा वैल्यूएशन, एक्स्ट्रा पैसे मिल रहे थे, तो अब एग्जीक्यूटिव्स की एक्सपेक्टेशन इतनी हाई हो गई है कि वो डबल ट्रिपल हाइक पे आते हैं। मतलब कैसे लेके आओ हाइक? लोग ऐसे नहीं मांगते कि मेरा 10% 15% कर दो, लोग बोलते डबल कर दो, ट्रिपल कर दो। नाउ द एक्सपेक्टेशन इज दैट, बट द करेक्शन, मार्केट में करेक्शन बहुत ज़्यादा आ गया है। एक्सपेक्टेशन मैनेज करना, और दूसरा थोड़ा सा, अब दिस इज अ न्यू ट्रेंड, अब लॉयल्टी फैक्टर उतना नहीं है। यू नीड पीपल हु आर पैशनेट अबाउट ज्वाइनिंग योर ऑर्गेनाइजेशन। इट्स नॉट ऑल अबाउट एंड शुड नॉट बी ऑल अबाउट मनी। मनी इज इम्पॉर्टेंट, आज की तारीख में तो लोग मांगेंगे ही और एक्सपेक्ट करेंगे, लेकिन उसके साथ साथ फिर डिलीवरेबल्स बहुत क्लियर होने चाहिए और एक पैशन होना चाहिए कि भाई ठीक है, आज मैं आपको ज्वाइन कर रहा हूँ तो फिर मैं आई विल इंश्योर कि कंपनी हमारी आगे बढ़े और ग्रोथ। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट बोला, क्योंकि आजकल जेन्युइनली लॉयल्टी नहीं है। लॉयल्टी आप नहीं। जैसे टॉकिंग अबाउट यू एंड SBI, राइट? आप 16-17 साल SBI में थे। 38 साल। 38 years। आई ज्वाइन इन 1980 एंड रिटायर्ड इन अक्टूबर 20। हमने तो स्टेट बैंक ज्वाइन करा और स्टेट बैंक की लिव करा थ्रू आउट द लाइफ। वाओ, सो 38 years एक ऑर्गेनाइजेशन में, और ये लॉयल्टी भी, मतलब इतना थॉट प्रोसेस ही नहीं लोगों का, वो चाहते ही नहीं, चाहना दूर गया, मतलब आइडिया ही नहीं है कि 38 years तो सोच नहीं सकते किसी एक में। दो चीज़ें हुई हैं, एक तो अपॉर्चुनिटीज बढ़ी हैं और दूसरा रिस्क टेकिंग कैपेबिलिटी भी बढ़ी। कि चलो आज ये जॉब छोड़ देंगे तो हमें कल जो है 25 जॉब और मिल जाएंगे। हाँ, और मिल जाएंगे। और अर्ली स्टेज में आदमी ज़्यादा रिस्क लेता है, तो एक जो फिनेंस सिक्योरिटी है वो भी एक बड़ा फैक्टर है। जब हम लोगों ने स्टेट बैंक ज्वाइन किया था तो उसमें फाइनेंशियल सिक्योरिटी नहीं होती थी। हमको डर लगता था आज हमने जॉब चेंज कर दी और वहाँ अगर नहीं चला तो क्या होगा। तो वो एक कहीं ना कहीं अगर फैमिली की रिस्पॉन्सिबिलिटी है तो वो आप रिस्क भी अवॉइड करते हो। लेकिन बहुत से लोगों ने ऐसा नहीं है, जैसे
मेरे साथ करीब 300 लोगों ने ज्वाइन किया एज प्रोबेशनरी ऑफिसर, सो एटलीस्ट 30-40% वुड हैव लेफ्ट। तो लॉयल्टी कैसे बनाते हैं, कैसे करें कि कुछ तो नेचर में होता है, इंसान के नेचर में होता है। तो उसकी लॉयल्टी ये नहीं है कि ऑर्गेनाइजेशन की, लॉयल्टी जो है वो आपकी नेचर में होगी, तो आप फैमिली के लिए भी लॉयल होंगे, आप अपने जॉब के लिए भी लॉयल होंगे, तो नेचर तो एसेस करना बहुत डिफिकल्ट है। कैसे एसेस करेंगे। लेकिन बातचीत से उससे मतलब थोड़ा ये आइडिया लग सकता है कि भाई आपका इंटेंट क्या है ज्वाइन करने के बारे में, या पिछले मान लीजिए 5 साल में आपने कितने जॉब चेंज करे, उससे भी पता लग जाता है। थैंक यू ये क्लिप एंड तक देखने के लिए। ऐसी और इंसाइटफुल क्लिप्स के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो।